Bismillahirrahmanirrahim. Today we're going to discuss second portion of class Turbularia. इससे पहले हमने class Turbularia के दूसरे features discuss किए थे first video में, lecture number 2 में इस chapter के. Lecture 3 में हम exchanges with environment, यानी gases exchange, waste exchange discuss करेंगे, Turbularians में planaria के reference से. Then nervous system and sense organs. और लास्ट पे रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट. यू नो प्लेनेरिया या दूसरे टर्बुलेरियंस में एज सच कोई वेल डेवलप्ड एक्सचेंज के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम्स या दूसरे सिस्टम्स मौजूद नहीं है. सो मोस्टली डिफ्यूजन से सब्सटेंसेस एक्सचेंज हो रहे होते हैं, गैसेस और वेस्ट. और मरीन एनवायरमेंट के अंदर तो जो टर्बुलेरियंस रह रहे हैं, दे आर ऑस्मोटिकली इन इक्विलिब्रियम, दैट इज दे आर आइसोटोनिक विद देयर एनवायरमेंट. लेकिन फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स जो फ्रेश वाटर में रह रहे हैं टर्बुलेरियंस, दे आर हाइपरटोनिक, दैट इज दे आर हैविंग हायर सॉल्ट्स इंटरनली. और अगर आप जानते हैं, अगर अंदर हायर सॉल्ट्स होंगे तो बाहर से वाटर जो है वो एंटर होकर सेल्स की बर्स्टिंग कॉज कर सकता है. सो टू रेगुलेट एक्सेस वाटर in hypertonic internal conditions of the planaria, इन्होंने osmoregulatory structures develop किए, which are protonephridia. और protonephridia या flame cell system के हवाले से आप इसे पढ़ चुके हैं पहले भी. इसे primitive type का excretory system भी बोला जाता है. Proto mean first, nephridia nephros से है, nephron से है, या first type of kidney से है. इसमें आप राइट साइड पे बने डायग्राम में भी देख सकते हैं, देयर आर मल्टीपल फाइन साइड ब्रांचेस दैट एंड ऑफ ट्यूब्यूल्स दैट ओरिजिनेट इन द पैरेन्काइमा. और इसमें टाइनी एनलार्जमेंट को जो प्रोजेक्शन साइड पे शोन भी है, दे आर नाउन एज फ्लेम सेल्स. फ्लेम सेल्स इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है कि इनमें मल्टीपल सीलिया मौजूद होते हैं. जब वो मूव करते हैं, दे लुक लाइक अ फ्लिकरिंग फ्लेम. That's why these cells they are named as flame cells. Side pin ka nucleus nazar aa rahe honge aapko. Aur inme small openings ya fenestrations, slit like openings maujood hoti hain jo inki tubule wall ko surround kar rahi hongi. Aur cilia ki beating se jo contents isme aaye hote hain, they move towards the excretory tubule ya jo main inki tube hai excretion ke liye, uski taraf contents move karte hain. Aur bahar se दूसरे कंटेंट्स भी अंदर की तरफ विद इन द फ्लेम सेल मूव करते जाएंगे इस बीटिंग की वजह से. एज अ रिजल्ट फ्लूइड फ्रॉम द सराउंडिंग टिश्यू इज सक्ड थ्रू द फेनेस्ट्रेशन इनटू द टिब्यूल एंड द टिब्यूल्स इवेंचुअली मर्ज एंड ओपन टू द आउटसाइड द बॉडी वॉल थ्रू अ माइन्यूट ओपनिंग कॉल्ड नेफ्रिडियोपोर. इनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है जो बाहर की तरफ ओपन हो रहे होंगे, दे आर टर्म्ड एज नेफ्रिडियोपोर. तो ये मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर करने के लिए होता है. यहाँ पे भी एक एनलार्ज व्यू है इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम का कि फ्लेम सेल उसमें मौजूद सीलिया वो मूव करवाएंगे फ्लूइड को थ्रू अ ट्यूब्यूल, एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल सेल्स, या फिर अल्टीमेटली एक्सक्रीटरी पोर की तरफ. एक्सक्रीटरी पोर दे आर नेम्ड एज नेफ्रिडियो पोर ओवर हियर. सो नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक डिस्कस किया गया, दैट इज अबाउट सेंस ऑर्गन्स और नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम में यहाँ पे थ्री ऑर्डर्स की एग्जांपल है, सीला, पॉलीक्लैडेडा और ट्राइक्लैडेडा के हवाले से. सो वन बाय वन के हवाले से हम डिस्कशन करेंगे. मोस्ट प्रिमिटिव टाइप जो प्लेटफॉर्म है उनके अंदर नर्वस सिस्टम ऑर्डर एसीलिया का जो है वो डिस्कस किया जाता है. और इसमें कन्वोल्यूटा एक स्पीशी की एग्जाम्पल है. जो नर्व्स सिस्टम में न्यूरॉन्स एंड दे आर प्रेजेंट द फॉर्म ऑफ अ नर्व नेट, इसे कहते हैं सुपरफिशियल नर्व प्लेक्सस. नर्व प्लेक्सस इज अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स आउटसाइड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. सो प्लेक्सस रिजेंबल्स अ नर्व नेट ऑफ नाइडेरियंस एज वेल. इसमें इंटीरियर साइड पे एक स्टेटोसिस्ट नजर आता है. और स्टेटोसिस्ट का काम क्या है? इरेक्ट एज अ मैकेनो रिसेप्टर प्रॉब्ली दैट डिटेक्ट्स द टर्बुलेरियंस बॉडी पोजिशन एंड रेफरेंस टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी. कुछ टर्बुलेरियंस में जैसे पॉलीक्लैडेडा है, एक सेरिब्रल गैंग्लिया, गैंग्लिया बोलते हैं क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन. तो
वो डिवेलप हो गए, जबकि जो मोस्ट डिवेलप्ड नर्वस सिस्टम है टर्बुलेंस के अंदर सच एज प्लेनेरिया consist of a sub-epidermal nerve net and pairs of long nerve cords. Yani superficial nerve plexus ke saath saath ek deeper nerve plexus, ek deeper nerve net bhi maujood hai. Inme jo lateral branches hain, lateral nerve cords, unko connect karne ke liye, jo hai wo, ye jo nerve cords unko connect karne ke liye lateral branches maujood hai, jinhe commissures ka naam diya gaya. Yahan pe aap dekh sakte hain. Nerve cords and their commissure give rise a ladder-like appearance. जो appearance है इसको ladder-like appearance कहा गया है. और ये nervous system centralized है. क्यों? क्योंकि इसमें जो cerebral ganglia है, cerebral ganglia they have somehow attained central control. और ऐसे ganglia जिनका central control हो जाए, उनको हम नाम देते हैं brain. So primitive brain develop हुए इनमें, motor neurons develop हुए, sensory neuron develop हुए, और इस वजह से इस नर्वस सिस्टम को हम बोलते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम इन एनिमल किंगडम. फिर इनमें दूसरे बहुत से स्टिमुलाई को डिटेक्ट किया जाता है, मसलन टेक्टाइल या सेंसरी सेल्स इनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जो केमिकल, वाटर करंट्स या टच के स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर सकते हैं. ऑरिकल्स देख सकते हैं आप इनकी प्रोजेक्शन, जो साइड पे ईयर लाइक प्रोजेक्शन, सेंसरी लोब्स, दे मे प्रोजेक्ट आउट फ्रॉम द साइड ऑफ देयर हेड. और इनके अंदर जो कीमो रिसेप्टर्स हैं यूजुअली फूड लोकेशन को जो है वो फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं. और ऑरिकल्स के जो कीमो रिसेप्टर्स हैं दे आर मोर कंसंट्रेटेड. टर्बुलेंस में सेंस ऑफ वीएन भी डेवलप हुई है समहाउ. वो वीएन किस तरह की है कि जस्ट लाइट की डिटेक्शन के लिए, और उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं ऑसिलाय. अगर एक सिंगुलर वर्ड देखें तो उसका मतलब ऑसिलाय का सिंगुलर बनेगा आपके पास ऑसिलस. इसमें कप लाइक प्रोजेक्शन नजर आती है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कप लाइक डिप्रेशन लाइंड विद ब्लैक पिगमेंट, पिगमेंट सेल्स जो इसको सराउंड कर रहे हैं. और इसके अंदर से जो न्यूरॉन्स प्रोजेक्ट आउट करेंगे दे विल कैरी द मैसेज ऑफ लाइट टुवर्ड्स सेरिब्रल गैंग्लिया फॉर फर्दर प्रोसेसिंग. और इसमें याद रखिएगा प्लेनेरिया में ज्यादातर नेगेटिव फोटोटैक्सिस को ऑब्जर्व किया गया. लास्ट पॉइंट है इनकी रिप्रोडक्शन के हवाले से, एसेक्सुअली ये बाइनरी फिशन से रिप्रोड्यूस करेंगे जो कि ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन में फिशन यूजुअली बिगिंस एज अ कंस्ट्रिक्शन बिहाइंड द फेरिंग्स जोन ऑफ फिशन एंड द टू और मोर एनिमल्स दैट रिजल्ट फ्रॉम ब्रेकेज और फिशन आर कॉल्ड जोआइड्स एंड दे रीजनरेट मिसिंग पार्ट्स आफ्टर सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर. ये इनकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक सिंपल सा वे है. समटाइम्स ज़ोआइड्स रिमेन अटैच्ड अंटिल दे हैव अटेन्ड अ फेयरली कंप्लीट डिग्री ऑफ डेवलपमेंट एट विच टाइम दे डिटैच एज इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल. इस पॉइंट को रीजनरेशन भी बोला जाता है कि समटाइम जो पार्ट है वो रीजनरेट कर जाते हैं. इनमें कुछ रीजनरेशन की वजह कुछ अनस्पेशलाइज सेल्स होते हैं नियोब्लास्ट जिनकी वजह से ये रीजनरेशन शो करते हैं. और रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो ह्यूमनेशियस है, मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आपको एक ही इंडिविजुअल में मिलेंगे, बट स्टिल दे कैरी आउट क्रॉस फर्टिलाइजेशन. टेस्टिस इनमें न्यूमरस होंगे, ये ब्लू कलर में जो आपको स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं दे आर टेस्टिस, न्यूमरस पेयर टेस्टिस, दे लाई अलोंग ईच साइड ऑफ द वर्म एंड द साइड्स ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन. ऑब्वियसली स्पर्म्स जो है वो ट्रेवल करेंगे सेमाइनल वेसिकल तक. ये स्माइनल वेसिकल आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं एंड प्रोट्रूसिबल पीनस जो स्पर्म ट्रांसफर में हेल्प करेगा ड्यूरिंग कपुलेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन. और पीनस प्रोजेक्ट करते हैं इनटू अ जेनिटल चैम्बर. द फीमेल सिस्टम हैज वन टू मेनी पेयर्स ऑफ ओवरीज एज वेल. ये है जी ओवरी, इसके अंदर वन पेयर शोन है. ओविडक्ट लीड फ्रॉम द ओवरीज टू द जेनिटल चैम्बर, ये भी लीड करेगी जेनिटल चैम्बर तक विच ओपन्स द आउटसाइड थ्रू जेनिटल पोर. ये है जी जेनिटल पोर. ड्यूरिंग कॉपुलेशन इनका जो जनरल रूल है दैट इज क्रॉस फर्टिलाइजेशन. और क्रॉस फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है, आफ्टर कॉपुलेशन स्पर्म मूव्स फ्रॉम द कॉपुलेटरी सैक टू द जेनिटल चैम्बर. और ये जेनिटल चैम्बर है जहां वहां एग्स मौजूद होंगे एक इंडिविजुअल के, दूसरे से स्पर्म आएंगे. एंड यॉर्क में आइदर बी डायरेक्टली इनकॉर्पोरेटेड इन द एग ड्यूरिंग एग फॉर्मेशन, कि इन ओवरीज के अंदर ही जो है वो यॉर्क समटाइम इनकॉर्पोरेट हो जाती है, या
ओवरी के अंदर अगर डिपॉजिट नहीं होती तो एक दूसरा मेथड भी है दैट यॉर्क सेल्स मे बी लेड अराउंड द जायगोट एज इट पासेस डाउन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पास्ड फ्रॉम द विटिलेरिया. ये विटिलेरिया की डायग्राम भी यहाँ पे आप देख सकते हैं. यॉर्क ग्लैंड्स, जो स्मॉलर ग्लैंड्स शोन है येलो कलर में, दे आर द विटिलेरिया और यॉर्क ग्लैंड्स. ये भी जो है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन यॉर्क ऐड कर सकते हैं. और फर्टिलाइजेशन की साइट है इनमें ओवरीज, ओवरीज के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है. Eggs are laid down without a gel-like mass. A hard capsule called a cocoon encloses many turbidarian eggs. यहाँ पे आप देख सकते हैं eggs हैं, इनको surround करता है एक hard सा capsule that is known as cocoon. और cocoon attached to substrate by a stalk and contains several embryos per capsule. एक capsule में multiple embryos हो सकते हैं और दो तरह के capsules produce होंगे planaria में या turbidarian में. Summer capsule जो दो से तीन हफ्ते में जो है वो हैच करेंगे एंड इमैच्योर एनिमल्स इमर्ज. और ऑटम कैप्सूल्स व्हिच हैव थिक वॉल्स दैट कैन रेजिस्ट फ्रीजिंग एंड ड्राइंग एंड दे हैच आफ्टर ओवरविंटरिंग. सो दैट वाज अबाउट देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फिर इनमें एक लार्वल स्टेज डेवलप होती है. दैट लार्वल स्टेज इज नेम्ड एज म्यूलर लार्वा. ये म्यूलर लार्वा प्री स्विमिंग लार्वल स्टेज है और सिलिएटेड होता है और सीलिएटेड एक्सटेंशंस को फीडिंग और लोकोमोशन के लिए यूज कर रहे होंगे. अल्टीमेटली ये सेटल डाउन होके तो एक एडल्ट इंडिविजुअल में डेवलप करेंगे. दैट इज ऑल अबाउट क्लास टर्बिलेरिया. नेक्स्ट हम इंशाल्लाह क्लास मोनोजीनिया और सेस्टाइडिया के हवाले से डिस्कशन करेंगे. तो क्लास टर्बिलेरिया का ये सेकेंड लेक्चर था जिसमें हमने इसको कम्प्लीट किया. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर लिसनिंग.